मदीयेकादशस्ता पृथिव्या मदीयेकादशस्ता अप्तुक्षेतो महीनैकादशस्ता ते देवाचो यज्ञामि मञ्जुकद्धम्म हरतियति पावन पुराण हरति श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियमि आरोग्यार्थे कल्याणार्थे आरारतिक ग्रहणम मंत्र पुष्पांजलि हरिओं राजज्ञामाया जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य चन्नाति अनाकं महिमान सचन्त जतर पूर्वे साध्या संति देवा नाना सुगंध पुष्पाणि जथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः श्री व्यास देवाय नमः बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो प्रेम अवतार की जय हो करुणा निधान की जय हो व्यास भगवान की जय हो सद्गुरुदेव भगवान श्री राम जी महाराज जी की जय हो श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो जय जय श्री सीता सभी लोग
अपने अपने स्थान पर प्रेम पूर्वक विराज जाए। श्रीधाम अयोध्या से पधारे पूज्य पाद सदगुरुदेव भगवान के मुखारविंद से भगवान की दिव्य लालित्यमयी रसमयी माधुर्यमयी कथाओं को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य बनाए। सभी लोग प्रेम पूर्वक शांति व्यवस्था बना करके विराज जाए, बैठ जाए। श्री हरि राम, जय जय शिवजीत। यह दिव्य सत्संग राम चर्चा राम जी की कथा सुनो। जीवन में प्रभु ने हम पर कृपा किया है, इसका क्या प्रमाण? जब द्रवई दीन दयालु राघव तब साधु संगति पाई। सत्संग में भी राम चर्चा राम जी की कथा ये सर्वोत्तम कार्य, क्योंकि कलयुग में यदि जीव के उद्धार का कोई उपाय है तो कलयुग केवल तरण उपाया राम नाम रामायण का है। ऐसे दिव्य रामायण जी की कथा जिसकी फलश्रुति है रामचरित मानस यही नामा और सुनत श्रवण पाई विश्राम। तो आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए बड़े अनुराग से प्रभु के परम पावन नामों का संकीर्तन करें, तदुपरांत कथा गंगा में हम आप अवगाहन करेंगे। सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। ताली बजाते जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम जय सियाबो, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। गोपाला गोविंदा,
गोपाला गोपाला गोविंदा भज गोपाला गोपाला गोविंदा भज गोपाला गोपाला गोविंदा के ऊपर जो चमड़ा लगा है ना उसका इतिहास याद आ। बोले इसका क्या इतिहास है? बोले बहुत लंबा इतिहास। बैल बन्यो हल में जुत्यो ये गाड़ी तर सिर दे बेली के कोल्हू चलो और मोल कसाई शीस कटी बोटी उड़ी और मढ़ी चमार नगा ताहू पै बाकी रहो अब परत खाल पर जिसका चमड़ा है ना उसको भगवान ने मनुष्य बनाया परंतु भजन नहीं किया। बड़े भाग मानुष तन पावा पर भजन नहीं किया तो भजन बिन बैल बिराने हुई बैल बना। बैलगाड़ी वाले ने अपने बैलगाड़ी में जोता उसके काम का नहीं रहा तो तेली को दे दिया। तेली ने सिर काट दिया। कसाई ने चमड़े को नगाड़े पर मढ़ दिया पर आज भी कर्म दंड नहीं गया तो सूखे खाल पर डंडा पड़। एक बार भी राम नाम लिया होता तो इसकी ये दुर्दशा न हो। तो जब भी मौका लगे बड़े अनुराग से गाइए सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम
मानुष शरीरा की बड़े बड़े छत्रपति देखत ही भाज गए रही नाल साख शाह और वजीरा की भज ले बाहर के पीड़ा की यही तेरम ताराम भजो क्यों नारा देशा एक एक घड़ी जाए लाख लाख हीरा की एक एक घड़ी जाए लाख लाख हीरा की सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सागर के इस परम पावन धरती पर कथा के प्रधान श्रोता श्री हनुमंत लाल जी के परम पावन सानिध्य में बैठकर हम आपने श्री शिव पार्वती विवाह का दर्शन किया, महोत्सव मनाया, क्योंकि हम राम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, इसका प्रमाण क्या है? रामायण में लिखा है कि जो राम भक्त है उसका लक्षण क्या, हर चीज का लक्षण होता है। तो आप राम जी के चरित्र के अधिकारी हैं, उनके भक्त हैं, इसका लक्षण क्या है? बोले राम भक्त कर लक्षण ये हो और बिनु छल विश्वनाथ पद ले। बोले शंकर भगवान के चरणों में अनुराग हो जाए, इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को पहले शिव चरित्र सुनाया। शिव माने होता है कल्याण, बड़ा सुंदर परिवार है। शिव जी के दो पुत्र हैं, एक कार्तिकेय और एक गणेश, एक पुरुषार्थ है और एक विवेक। तो जीवन में आपको कल्याण चाहिए तो दो चीज जरूरी, विवेक भी हो और कल्याण पुरुषार्थ। आदमी बहुत पुरुषार्थी होता है पर विवेक है ही नहीं कि क्या करे, सवेरे से शाम तक दौड़ता रहता, लगा रहता परिश्रम, परंतु विवेक नहीं तो खाली वो परिश्रम ही हाथ लगता है। और एक आदमी को बहुत विवेक है, ऐसा करेंगे, ऐसी पढ़ाई करेंगे, ऐसा परिश्रम करेंगे सब है, परंतु उठने का मन ही नहीं पड़ता, बिस्तर से 8 बजे तक सो रहे। तो जीवन में दोनों आवश्यक। भोलेनाथ राम जी के ऐसे भक्त हैं कि सती जैसे नारी का त्याग कर दिया, और जब भोलेनाथ दुल्हा बनकर आए, कल आप लोग श्रवण कर रहे थे, बड़ा दिव्य झांकी, शिव ही रुद्र गण कर सिंगारा जटा मुकुट अहि मोर संवारा। बाजार में सिंगार का सामान तो था नहीं उस समय, तो भोलेनाथ का श्रृंगार क्या है? बोले जटाओं को ही मोर बना दिया, और मुकुट जटाओं का बन गया, मोर कहां से आवे? तो छोटे छोटे सांप सफेद पीले हरे जो थे ना, छोटे छोटे आके लटक, और भोलेनाथ सेहरा झमकाते तो लोगों का हृदय फट जाता है देख के सांपों। अब जैसे बारात चली ना, वर्णन आता है इस बारात में सब थे, नारायण भगवान भी थे, ब्रह्मा जी भी थे, इंद्र भी थे, सब जा रहे,
थोड़ी दूर जाके नारायण भगवान ने कहा, देखो भाई बर अनुहार बरातन भाई हसी करई हो पर पूर जाई। देवताओं बर के अनुरूप बारात में, क्योंकि बर बउरा और बसर असवारा और देवता सब बराती बने, बोले ठीक नहीं, अलग अलग हो ही चलाऊ सब, सब अलग अलग हो गए। भोलेनाथ ने कहा अच्छा, हरि के व्यंग वचन नहीं जाई, आप बारात बन कर आए कि दगा देने आए, हमारी बारात कम थोड़ी ना। तो श्रृंगी प्रेरी भूत गण तेरे आए सकल शंभु के प्रेम। जो भोलेनाथ ने श्रृंगी नाथ किया सारे मरघटों में वायरलेस पहुंच गए, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सब आ गए, घेर लिया भोलेनाथ को। और जो भोलेनाथ ने अपना बारात देखा तो हर से शिव समाज निज देखा, नाना वाहन नाना बेटा। अब जब अपनी बारात आ गई, अब तो महाराज, अब जो लोग कह रहे थे कि बर अनुहार बरात न भाई, अब वो ही कहने लगे, देखो भाई जस दूल्हा तस बनी बरात, अब बरात बन गई। अरे भोले बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, ताली बजा, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, हिमाचल नगरी मैना की नगरी, हिमाचल नगरी मैना की नगरी, चली 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 बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी, चली बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। शोभा अजब अपार, नंदी पर तो बैठे शिव जी शोभा अपार, नंदी पर है बैठे शिव जी शोभा अब अपार, नंदी पर तो बैठे शिव जी शोभा अपार, भूत प्रेत सब संग में सोहे बोल रहे जयकार, प्रेत सब संग में सोहे बोल रहे जयकार, वो तो जय बोल रहे, पर जो बारात को देखता है उसकी स्थिति क्या है, कि धड़के धड़के देखे बाल की छती आई माचल, धड़के देखे बाल की छती आई माचल नगरी, भोले शंकर की बरतिया हिमाचल नगरी, भोले बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। हर हर
इतनी विशाल बारात हिमाचल के लिए पहुंची, और उधर महाराज हिमाचल ने पूरे हिमाचल को सजा दिया। अब नगर निकट बारात सुनी आई। जब नगर के निकट बारात आती, कल हमारे लक्ष्मण भैया सुना रहे थे, उसमें बच्चों की मात्रा ज्यादा होती बारात देख ले। अब भोलेनाथ के बारात में ब्रह्मा जी भी हैं, नारायण भगवान भी हैं, तो सबसे पहले नारायण भगवान अगवानी करने वाले जो आए थे वो पूछने लगे, भैया आप हैं दुल्हा जी? नारायण भगवान ने कहा, मैं दुल्हा नहीं हूं, मैं दुल्हा का मित्र हूं। लोगों ने कहा, वाह, दुल्हा के मित्र जब इतने प्यारे हैं तो दुल्हा सरकार कितने न प्यारे होंगे। नारायण भगवान ने कहा, संभाल के रखना, देखने के पहले। नारायण भगवान आगे बढ़े, उनके पीछे थे ब्रह्मा जी। अगवानी करने वालों ने पूछा, आप हैं दुल्हा जी? अरे कहा, हम दुल्हा जी नहीं है, हम दुल्हा जी के पिताजी। ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से भोलेनाथ का प्राकट्य। अच्छा, वो आगे बढ़ गए। उनके पीछे थे श्री इंद्रदेव। लोगों ने पूछा, आप हैं दुल्हा? अरे बोले, मैं दुल्हा नहीं हूं, मैं तो दुल्हा सरकार के चरणों का सेवक हूं। लोगों ने कहा, सेवक इतना अच्छा है तो स्वामी कितने प्यारे हो। और जब सब चले गए तो शिव समाज जब देखन लागे, बिदरी चले बाहर सब बाहर। और जो भोलेनाथ को देखा, हाथी भागे, घोड़े भागे, और सबसे पहले बच्चे भागे, और भागकर सीधे घर गए बिना कुछ बताए। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? बोले, रुक जाओ, पहले फाटक बंद करो। और सब किवाड़ा बंद किए, और तब कहा, माताओं ने पूछा, पिताजी ने पूछा, बारात आ गई? अरे बोले, बारात आए कि जमराज की जमात आई। अब तो जो जियत रही है बिया देखिए, भाग तिन कर बरस। पूरे नगर में बात फैल गई, परंतु मैना जी को तो स्वागत करना था दुल्हा का। भोले नाथ बाराती लेकर आए हैं दुल्हा बनकर, तो आचार्य गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे, बहुत प्यारी झांकी है। मैना शुभ आ रती समारी, शुभ आ रती समारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल रावही नारी, संग सुमंगल रावही नारी। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। साथ में सखियां सुमंगल गान कर रहे। देखिए, आरती का मतलब क्या होता है? हम लोग आरती उतारते हैं तो अर्थ जानना चाहिए। आरती कहते हैं दुख को, आरती हरण, आरती राम की। आरती उतारना माने भगवान का दुख उतारना। तो जब माताएं बच्चों की बलैया उतारती हैं तो बाहर फेंकती हैं, उसी के ऊपर तो नहीं डालते ना,
तो अपन आरती करके ऐसा ऐसा करने की परंपरा चलती, कुछ परंपरा चली है, ये उचित परंपरा नहीं। आरती अपने ऊपर लेना चाहिए, मानो भगवान का दुख उतार कर अपने ऊपर लेना। अब कोई घबरा जाए कि भगवान बड़े तो उनका दुख भी बहुत बड़ा होगा, और कहीं उनका दुख हमारे ऊपर आ गया तो बहुत परेशानी होगी। तो भगवान में दुख नहीं। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवो सुदशरथ, तो आरती उतारते माने भगवान का गुण उतर के आता है, और जब हम ऐसा लेते तो हमारे जीवन में भगवत गुण का प्रवेश होता है। इसलिए कभी भी आरती ऐसा नहीं करते, माता मैना आरती करने आई, बड़े प्यार से सखियों के साथ आरती उतारी। वो भोले शंकर की करो आरती, डमरू वाले की करो आरती, शंकर की करो आरती, डमरू वाले की करो आरती, शिव शंकर की करो आरती, भोले बाबा की करो आरती, भोले शंकर की करो आरती, भोले बाबा की करो आरती। सजनों कथा का एक नाम है तन्मयता, जो प्रसंग आप सुनते हैं वाणी से गाइए भी, और अपने को ये मानिए कि हम भी हिमाचल वासी, और हमारे सामने भी भोलेनाथ दुलार रूप से विराजे, हम भी उनकी आरती उतार, क्योंकि मन की बड़ी महिमा है, मन से ही सब कुछ होता है। शिव शंकर की करो आरती, भोले बाबा की करो आरती, भोले शंकर की करो आरती,